तो कैसे हो गाइस, आई होप बढ़िया होगे। ये मेरा सेकेंड डे है बैंकॉक में। इस वाले व्लॉग में आप देखने वाले हो एयर इंडिया की जर्नी इन इंटरनेशनल इकोनॉमी क्लास। मुझे बहुत कंप्लेंट्स भरी पड़ी हैं, बहुत सारे डीएम्स हैं कि भाई आप एक बार एयर इंडिया इंटरनेशनल में ट्रैवल करो, आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ट्रैवल करता हूँ, बाकी मैं ऐसा माइंडसेट बना के नहीं जा रहा। और आज तक आपको पता है कि सिर्फ एक ही बार मेरा खराब इंसिडेंट हुआ है इंडिया के। वैसे तो सारे इंसिडेंट्स बहुत अच्छे हुए डोमेस्टिक में, ठीक। अब जैसा भी होगा, एक्सपीरियंस अच्छा हो बुरा हो, मैं बता दूंगा आप। एनीवे, मेरी फ्लाइट 8 बजे की है और ये व्लॉग में स्टार्ट कर रहा हूँ 9 बजे। तो मैं फटाफट जा रहा हूँ कॉफी पीने के लिए, पास में है वॉकिंग डिस्टेंस पे। कॉफी पी के मैं जाऊँगा, एक कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ जाऊँगा, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करूँगा। शॉपिंग करने के बाद वहाँ से टुक टुक लेके वापस आ जाऊँगा होटल। वहाँ पे रेस्टोरेंट पे जाऊँगा, रेस्टोरेंट पे जाके देखूंगा, बताऊंगा आपको कि इंडियन रेस्टोरेंट से आप कहाँ खा सकते हो बैंकॉक में। इंडियन रेस्टोरेंट में खाने के बाद मैं आऊँगा होटल वापस, बैग पैक करूँगा बस। फिर अराउंड तीन चार पाँच बजे तक हम निकल जाएंगे एयरपोर्ट, जल्दी निकल जाएंगे, दूर भी है क्योंकि काफी। तो मैं कैमरा रखता हूँ अंदर, अभी मोबाइल से व्लॉग करूंगा। तो ये है सुखुमवेद 18, मेरे व्लॉग में मतलब पहले वाले व्लॉग में देख ही लिया होगा आपने। अभी मैं जा रहा हूँ बस एक कॉफी पकड़ने, और कॉफी के बाद सीधा निकल जाएंगे शॉपिंग पे MBK कॉम्प्लेक्स। मैं स्टारबक्स में हूँ और ये स्टारबक्स जो है ना इंडिया से बहुत सस्ता है। या हाउ मच? जस्ट वन। यस वन, या 165 बात। तो आप देख सकते हो मेन्यू बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। इसमें से सब कुछ नॉन वेज है, मुझे लगता है नहीं कुछ भी वेज होगा। तो प्राइस देख लो, 150 बात, 155। ये इंडिया जितना, लेकिन कॉफी ना मुझे इंडिया से बहुत सस्ती लगी स्टारबक्स में। वहाँ देखो चिप्स वगैरह भी काफी डिफरेंट है, स्वीट पोटैटो चिप्स, ये सब इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलते। ये कॉफी मुझे पड़ी है 429 की, इसमें पता नहीं मैंने क्या क्या सिरप दिलवाए हैं। ये चीज मैं बोल सकता हूँ, इंडिया से यहाँ का स्टारबक्स बहुत सस्ता है, कॉफी में सस्ता है। हालांकि जो खाना पीना है शायद वो हाँ थोड़ा महंगा हो, पर ये तो भाई साहब इट्स वर्थ यार। 400 रुपए का पड़ा है मुझे इंडिया में, यही साइज और इतने एड ऑन्स मुझे 600-700 के पड़ते हैं आराम से। गाइस मैं आ गया हूँ MBK सेंटर, बेस्ट शॉपिंग सेंटर है, ठीक है ना। अगर आपको शॉपिंग करनी है बैंकॉक में तो इससे अच्छी खजाना है ये। बस अब मैं खरीदूंगा यहाँ से कुछ कुछ, तो मैं खरीद लेता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या लिया। ओके। तो गाइज मैं MKB में था, मैंने ये दो चीजें ली हैं, ठीक है। ये पासपोर्ट बैग लिया है, मेरे पास नहीं था, और ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया है। तो हाँ, इसमें वो मोबाइल वगैरह रख लेगी अपना। बाकी बहुत कुछ महंगा था गाइस, MKB में ना बहुत 1000-2000 बाहर से कम का कुछ था नहीं। मैं इंद्रा स्क्वायर जा रहा हूँ, इंद्रा स्क्वायर इज चीप, राइट? चीप इंद्रा स्क्वायर, चीप। ओके गाइस, मैं अभी इंद्रा स्क्वायर मार्केट में हूँ, ठीक है। बहुत सारी शॉपिंग की है मैंने, काफी अच्छा रेट मिल गया मुझे कम्पेयर टू वहाँ जहाँ मैं पहले गया था। तो हाँ, देखते हैं यहाँ कुछ और मिल जाए तो। गाइस इतनी सारी शॉपिंग की है मैंने, इंद्रा स्क्वायर है, ठीक है, पूरा अंदर पूरा मार्केट है। बहुत सारी शॉपिंग की है मैंने और काफी मतलब सस्ता सस्ता मिल गया और बहुत अच्छा मिल गया। और ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं लिया मैंने, इसमें से सिर्फ एक पासपोर्ट बैग लिया है मैंने, बाकी सब कुछ दूसरों के लिए। तो जिंदगी का नाम ही दूसरों के लिए जीना होता है, अपने लिए नहीं। यहाँ पे ना लोग इतने बढ़िया है, जब आप रोड क्रॉस करते हो ना तो ये गाड़ियाँ अपने आप रुक जाती हैं, मतलब 5 मिनट के डिस्टेंस पे रुक जाएंगी गाड़ियाँ, मतलब चाहे कितनी बिजी भी रोड हो। मैंने अभी क्रॉस करा था, ये देखो भाई अलग सीन, मतलब रोड क्रॉस करोगे ना पहले रुक जाएंगे इन लोग, और हॉर्न ऑन तो बहुत ही कम सुनोगे यार, सीरियसली यार। काफी अच्छे भैया थे, 200 बात लिए इन्होंने, पता नहीं ये ज्यादा लिए कम लिए, बट हाँ टैक्सीज वाले ज्यादा अच्छे हैं टुक टुक वालों से। ये मैं आया हूँ इंडियन रेस्टोरेंट, खाओ पियो, मैंने बहुत सुना है। अगर आप भी बैंकॉक में अगर आते हो तो हाँ यहाँ पे खा सकते हो। बहुत दिन हो गए मैं ऐसी पता नहीं कहाँ कहाँ से खा रहा हूँ, तो आज मेरा मन किया चलो इंडियन खाने का, खा के देखते हैं भाई। एंड अगर अच्छा हुआ ना तो आप यहीं पे आना अगर आप बैंकॉक आते हो तो। ये है मेन्यू, ठीक है ना, सब कुछ भात में है। तो मैंने ऑर्डर किया है पनीर बटर मसाला और 2 तंदूरी रोटी। हालांकि आप मेन्यू देख सकते हो ध्यान से, छोले भटूरे, दही वड़ा, भाई सब देख के इतना अच्छा लग रहा है ना गाइस। बैंकॉक में ना खाने पीने की बहुत किल्लत है, तो इसलिए अच्छा खाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी खाना आएगा ना तो रिव्यू करता हूँ, मुझे भूख भी लग रही है, थोड़ा लेट भी हो रहा हूँ। हमारा खाना आ चुका है और ये पनीर बहुत कमाल का लग रहा है, ठीक है ना, मुझे भूख भी लग रही है बहुत ज़बरदस्त। तो गाइस ये तंदूरी रोटी काफ़ी गर्म है, काफ़ी फ्रेश लग रही है मेरे को, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है मैं दिल्ली में खाना खा रहा हूँ। तो हाँ काफ़ी अच्छी खुशबू है, देखते हैं भाई। लव्ड इट, मज़ा आ गई गाइस, बहुत बहुत टेस्टी लग रही है। इंडिया के बाहर हूँ, 10/10, बहुत भूख लगी है, ख़त्म करता हूँ डाइट को, ख़त्म करता हूँ एंड निकलते हैं यहाँ से, ऐसे लेट हो रहा हूँ। तो हाँ अगर आपको आना हो, अगर आप बैंकॉक आ रहे हो तो 122 में खाओ पियो में आ सकते हो, द फूड इज अमेजिंग। ये देख लो, अगर आपको कॉल करना हो इनको या फिर कॉन्टैक्ट करना हो ना बैंकॉक में, तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 06 वाले में, ये नंबर पर चलते हैं होटल फटाफट। तो गाइस पैकिंग डन, वीडियो का थोड़ा सा एडिटिंग करा था, तो आज पहला वीडियो आ जाएगा आपका थाई एयरवेज वाला।
और आई एम ऑल सेट। ये मैंने एक पासपोर्ट बैग लिया है, तो हाँ इसमें सारा कुछ मतलब वॉलेट वगैरह इसमें रख लूँगा, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, सोच रहा मोबाइल भी इसमें रख लूँगा, बाकी कैमरा पॉकेट में रख लूँगा। तो बस निकलते हैं, चेकआउट करते हैं, और अभी 3 बज रहा है, मैं टाइम से निकल जाऊँगा। और मेरे सामने वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये शायद श्रीलंकन एम्बेसी है। निकल गया हूँ मैं एयरपोर्ट के लिए फाइनली, और ये रेडबुल लिया है मैंने, 165 रुपीज़ की पड़ी, इंडिया में 125 की है, इंडिया में सस्ती है, अभी मुझे 40 मिनट लगेगा पहुँचने को। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगने हैं, इंडिया जाना, अगर आप इंडिया जा रहे हो, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे थाईलैंड से, तो मैं सब कुछ बताऊँगा। तो एयरपोर्ट आ गया फाइनली, और भाई बहुत ही कंफर्टेबल थी, 548 भात लगे हैं, यानी भैया बहुत ही अच्छे थे। दिस इज़ द एयरपोर्ट स्वर्ण भूमि, बैंकॉक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो अब एंटर करते हैं, आगे एथियार्ड वगैरह के भी काउंटर्स हैं, तो हम एंटर यहाँ से कर रहे हैं। वैसे तो हमारे इंडिया में बाहर ही खड़े रहते हैं ना ऑफिसर्स, मतलब टिकट चेक करने के लिए, यहाँ पे अभी तक किसी ने कुछ चेक नहीं किया। चलते हैं एंटर करते हैं, देखते हैं भाई, पहला एक्सपीरियंस है बैंकॉक से कोई फ्लाइट लेने का, अंदर से देख लो कुछ ऐसा एयरपोर्ट है। तो मैं बोलूँगा कि हमारे मुंबई टर्मिनल 2 की जो फीलिंग आती है वो ज़्यादा प्रीमियम है फिलहाल कम्पेयर टू दिस। नहीं, वे अंदर जाते हैं, देखते हैं और क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। ये सारी फ्लाइट्स हैं, तो मैं बता दूं, अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो थाईलैंड से, तो एयर सुविधा पोर्टल में कोविड रिपोर्ट डाल देना। कोविड रिपोर्ट डालना इंपॉर्टेंट है एयर सुविधा में, मतलब 72 आवर्स से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो 15 को ही मैंने कोविड टेस्ट करा लिया था, तो हाँ 15 की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, तो 15 से 17 हो गए 48 आवर्स, तो हाँ अभी तक मेरे पास मतलब है एक दिन का लेवरेज और है। तो मैंने एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जो है ना वो निकलवा लिया अपने पास, तो वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम ट्रैवल कर रहे हैं एयर इंडिया ड्रीम लाइनर में, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, सो ये मेरी पहली इंटरनेशनल जर्नी है एयर इंडिया में। तो हाँ, अगर यहाँ तक व्लॉग देखा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, आगे बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं इंटरनेशनल, तो अगर आप लाइक करोगे, मैक्स से मैक्स शेयर करोगे, तो वो सारे के सारे ट्रैवल बहुत ही जल्दी होंगे। तो मेरे पीछे देख रहे हो, ये एथियार्ड बिजनेस क्लास काउंटर्स हैं, तो हाँ किसी दिन इसमें भी ट्रैवल करेंगे, फिलहाल तो मैं एयर इंडिया के काउंटर्स ही देख रहा हूँ इतनी देर से। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो ये एयरपोर्ट है ना स्वर्ण भूमि, थोड़ा आउटडेटेड है कम्पेयर टू दिल्ली या मुंबई। तो हालांकि यहाँ फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा है कम्पेयर टू दिल्ली मुंबई, बट थोड़ा आउटडेटेड है यार। तो गाइस एक चीज़ मैंने नोटिस की कि एयरपोर्ट के बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं है, टिकट किसी ने नहीं देखी, सीधा एंटर कर लिया मैंने, और भाई साहब ये मतलब कंपेयर टू इंडिया कितना ज़्यादा डिफरेंट है। तो सीधा काउंटर्स में टिकट चेक होगी, एंड आई थिंक वहीं पे बोर्डिंग पास मिलेगा, तो ये तो बहुत ही डिफरेंट है। हमारे इंडिया में तो भाई 3 सिक्योरिटी होती है, यहाँ शायद पता नहीं क्या सिस्टम है। तो फिलहाल तो अच्छा है यार, सीधा एंटर हो गया मैं। मैंने शूज़ खरीदे थे बैंकॉक से, और एक ड्रेस खरीदी थी, उसके बिल मेरे पास पड़े हैं, और सामने ना वैट रिफंड का काउंटर भी है, तो मैं जा रहा हूँ वैट रिफंड के काउंटर पे, देखते हैं भाई कुछ रिफंड मिलता है कि नहीं। आई थिंक 300 रुपये मिलने चाहिए, मतलब लगभग अराउंड 150 भात मिलने चाहिए रिफंड, लेट्स सी मिलता है कि नहीं। तो आई थिंक ये है एयर इंडिया काउंटर्स, बट फिलहाल कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है गाइस, पूरा खाली पड़ा है एयर इंडिया काउंटर। तो हाँ ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो भाई साहब हमारे इंडिया में 24 घंटे कोई ना कोई तो रहता ही है काउंटर्स में। तो एक चीज़ मालूम चली गाइस, इसका मुझे रिफंड नहीं मिलने वाला वैट का, मैं बताता हूँ क्यों। तो वैट रिफंड के लिए ना एक फॉर्म लेना पड़ता है, तो जहाँ से आप परचेज कर रहे हो उन्हीं को बोलना पड़ता है कि वो फॉर्म दे दें, P10 करके पता नहीं कोई फॉर्म है, फॉर्म भरना पड़ता है, मतलब वहीं से लेकर आना पड़ता है, एंड बिल अटैच करने पड़ते हैं, पासपोर्ट अटैच करना पड़ता है, तब जाके वैट रिफंड मिलता है, वरना नहीं मिलेगा। तो हाँ ये चीज़ याद रखना आप लोग, मैंने गलती की, आप लोग गलती मत करना। ये है काउंटर एयर इंडिया का, कोई भी क्रू नहीं है फिलहाल, और इन लोग पहले ही लाइन पे लगे हैं, तो मैं भी लाइन पे लग जाता हूँ, बिकॉज ये लाइन बहुत लंबी हो सकती है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 5, ठीक है ना, तो सारे पैसेंजर्स देखो वेट कर रहे हैं, अभी कोई क्रू नहीं आया अभी तक, और पता नहीं ये मतलब रूल है या फिर ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता, आई एम नॉट श्योर, बट आ जाना चाहिए क्रू। ऐसे पैसेंजर्स देखो वेट कर रहे हैं, ये मतलब मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। एंड टाटा टेक ओवर के बाद ये मेरी पहली जर्नी है एयर इंडिया में इंटरनेशनल, तो ये व्लॉग ना एंड तक देखना, मैंने अब देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो पहला बोल सकते हो कि पहला जो पार्ट है जर्नी का वो थोड़ा सा ऑफ जा रहा है, बिकॉज स्टाफ अभी तक है ही नहीं। तो 5 बज रहे हैं, 8 बजे की फ्लाइट है, देखो सबके सब यहीं बैठे हुए हैं, वो भैया तो नीचे ही बैठ गए आराम से, और मतलब काउंटर्स अभी तक खोले नहीं हैं, तो इतने सारे काउंटर्स हैं, ठीक है, एक ही बंदा खड़ा है उधर, और भाई साहब आप रश देखो इधर, इतना ज़्यादा रश है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो RT-PCR एंड एयर सुविधा, तो हाँ भाई कैरी कर लेना अपने साथ, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया इसके बारे में। देखो शाम भी हो गई है भाई, मैं लाइन पर ही खड़ा हूँ, फ़ोन एक्चुअली, हेलो इसका लगेज, दैट्स दी एयर सुविधा, एयर सुविधा, तो हाँ भाई 15 किलो का है, और एयर सुविधा भाई यहाँ पे भी पूछा वहाँ पे भी पूछा, तो एयर सुविधा रख लेना। फाइनली गॉट माई बोर्डिंग पास, बहुत देर से खड़ा था इधर, अब देखते हैं भाई। अच्छा आगे, तो ये है इंटरनेशनल डिपार्चर्स, तो हाँ यहाँ पे भी डोमेस्टिक इंटरनेशनल डिफरेंट है, तो अभी तो हम जा रहे हैं इंटरनेशनल में, ऊपर है
दिस इज द सिक्योरिटी और यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी के लिए ना कैबिन्स बने हैं, देखो बॉक्सेस टाइप के बने हैं, हमारे इंडिया में बिल्कुल अलग सिस्टम होता है, यहाँ पे काफ़ी अलग है। चलते हैं अंदर। तो गाइस सिक्योरिटी तो हो गई, बहुत ज़्यादा स्मूथ थी। ये जो बॉक्सेस है ना, बेसिकली ये स्कैन वगैरह करते हैं पूरी बॉडी, वो बहुत स्मूथ थी भाई साहब, मतलब इंडिया के कंपैरिजन में। और चीज़ें इसे कुछ इतनी निकलवाई नहीं, सिर्फ लैपटॉप निकलवाया। तो अब मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए, एंड इमिग्रेशन यहाँ पे कहते हैं पासपोर्ट कंट्रोल, हमारे इंडिया में मतलब अलग थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे लाइन बहुत लंबी है। फाइनली इमिग्रेशन इज डन, सब कुछ हो गया है कम्प्लीट। अब आई थिंक डिपार्चर गेट जाना है, डिपार्चर गेट से इधर है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, भले ये एयरपोर्ट थोड़ा आउटडेटेड है, कि यहाँ पे ना जो ये इमिग्रेशन प्रोसेस, सिक्योरिटी प्रोसेस बहुत फास्ट था, बहुत स्मूथ और बहुत फास्ट था कंपेयर टू इंडिया। हालांकि जो एयरपोर्ट है कंपेयर टू इंडिया उतना अच्छा नहीं है, बट इनका जो प्रोसेस था पूरा वो बहुत बहुत मस्त था, ये मुझे बहुत सही लगा। एंड यहाँ पे भी आई थिंक बहुत सारी ड्यूटी फ्री चीज़ें होंगी, देखते हैं भाई। हमारा गेट है D2A1 से लेकर 9 तक, वो डी आ गया है, स्ट्रेट है। अंदर से बहुत बड़ा है, बाहर से बहुत आउटडेटेड लग रहा था। बर्बरी का शोरूम है, दूर ही रहते हैं इससे। तो गाइस जितने भी ब्रांड देख रहे हो, बहुत महंगे महंगे ब्रांड है। ये प्राडा के पीछे पीछे बर्बरी था, एंड ये डायर भी बहुत महंगा है, सारे बहुत लग्जरी ब्रांड्स हैं। तो ये सब ब्रांड्स हाँ हमारे इंडिया में नहीं है, मतलब एयरपोर्ट्स में मैंने तो देखे नहीं, बट पता नहीं, मैंने तो नहीं देखे। और आगे गुच्ची भी है, ब्रांड्स बहुत तगड़े हैं। और जो जितने भी शोरूम्स हैं बहुत कमाल के बने हैं, मतलब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग ही लेवल का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ठीक है, आगे गुच्ची का भी देखते हैं। तो ये LV है, वो गुच्ची है, जो हम गानों में सुनते हैं सारे के सारे ब्रांड्स। पर ये क्या लग रहा है, ये शोरूम बहुत कमाल का लग रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है शोरूम का भाई। ये भी लग्जरी ब्रांड है, मतलब बाहर से ये एयरपोर्ट आउटडेटेड दिख रहा था, बट अंदर आके देखो, बना तो पुराना ही है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ अंदर ब्रांड्स एक नंबर है गाइस। तो भाई ये परफ्यूम का कुछ एरिया है, एंड पता नहीं हज़ारों टाइप की परफ्यूम है इधर, वर्चासी की भी है, बॉस, ये सारे लग्जरी ब्रांड्स है गाइस, बहुत महंगी परफ्यूम्स हैं। पता नहीं, शायद अगर मैं इंडियन करेंसी में बताऊं तो लाख लाख दो दो लाख की भी होंगी इसमें परफ्यूम्स। दो दिन रहा हूँ थाईलैंड में, इतनी स्टोरीज बनाई मैंने, लाइव भी आया था मैं। तो इफ़ यू हैवन फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। जितना ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करोगे इंस्टाग्राम पे, तो उतने अपडेटेड रहोगे। चलते चलते मेरी हालत ख़राब हो गई है। हमारे दिल्ली में जैसे ये एस्केलेटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, यहाँ पे नहीं है, एंड दिस एयरपोर्ट इज़ ह्यूज। मैं गेट के सामने आ गया हूँ, ये है D2, ठीक है ना। ऊपर देखा अपने एयरपोर्ट में क्या क्या ब्रांड्स थे, और यहाँ से देखो एयरपोर्ट, आपको लगेगा कोई पार्किंग लॉट है, सच में लगेगा कि आप कोई पार्किंग लॉट में बैठे हो। तो ये डिफरेंस देख सकते हो, मतलब ऊपर ऐसे ब्रांड्स जिसके बारे में मतलब अलग ही लेवल के, नीचे आओगे तो पार्किंग लॉट मिलेगा। ये मशीन देखो, ये पूरी ऑटोमेटिक मशीन है, अपने आप चल रही है, अपने आप घूम रही है, पता नहीं रिमोट कंट्रोल है या फिर पता नहीं क्या है, बट हाँ ये काफ़ी सही चीज़ लग रही है मुझे। फाइनली द बोर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। हमारे इंडिया में बोर्डिंग गेट बंद हो जाते हैं 1 आवर बिफोर द डिपार्चर, लेकिन यहाँ पर 20 मिनट्स का सिर्फ बफर टाइम है, मतलब 20 मिनट पहले ही बोर्डिंग गेट बंद होंगे। तो गाइस फाइनली गोइंग टुवर्ड्स द एयरक्राफ्ट। भाई बोर्डिंग के पहले पता नहीं क्या पापा लगाया बोर्डिंग पास पे, फिर सिक्योरिटी एक और बार चेक हुई फ्लाइट बोर्ड करने से पहले। ये अलग ही आउटडेटेड चीज़ है, आजकल वैसे होता नहीं है, खैर इंडियन एयरपोर्ट्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता ये सब, बट हाँ फिलहाल यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। तो ये भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा बोल सकते हो कि हाँ मतलब अभी भी चीज़ें पुरानी जैसी चल रही हैं फिलहाल। ये सारे प्रोसेस आपने देखे घूम फिर के, मतलब ऊपर थे, ऊपर से नीचे आए, और अभी यहाँ पे आके सारे बैठ गए हैं, और आगे एक और गेट है, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे एरो ब्रिज से, और हाँ एयरक्राफ्ट वहाँ पे 8:15 का डिपार्चर है, और अभी तक हमने फ्लाइट बोर्ड भी नहीं की है। तो बिजनेस क्लास वालों को पहले बुलाया है, मेरे पीछे देख, एंड इकोनॉमी वालों की लाइन बहुत लंबी है। आपको सच बताऊँ तो बिजनेस इकोनॉमी का जो सही फ़र्क समझ में आएगा ना, वो आपको इंटरनेशनल जर्नी में आएगा। डोमेस्टिक में उतना फ़र्क होता है, बट जो मेन फ़र्क और आपको जो लगेगा ना कि हाँ भाई वर्थ है बिजनेस, तो वो हमेशा इंटरनेशनल में होगा। लाइन देखो मेरे पीछे, वहीं पे मैं भी लगने जा रहा हूँ। दिस इज बिजनेस क्लास ऑफ ड्रीम लाइनर। हाँ मैं ड्रीम लाइनर में पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, बट दिस एयरक्राफ्ट लुक्स न्यू। तो हाँ ये एयरक्राफ्ट नया है, एंड काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। यस यस, दिस इज माई सीट 25J। तो भाई बोर्डिंग पास संभाल देना गाइस, एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने लास्ट वाले वीडियो में बोली थी कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो बोर्डिंग पास हमेशा संभाल के रखना, अनटिल यू आर नॉट आउट ऑफ द एयरपोर्ट। तो ठीक है ना, इसको मैं अपने बैग में डाल लेता हूँ। तो मैंने नया बैग लिया है बैंकॉक से, बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें मेरा पासपोर्ट भी है, और इसमें मैंने वॉलेट भी डाल दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर, एयर सुविधा का जो पेपर था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है।
तो इसमें ना पासपोर्ट, ये देखो पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, दो चार बिल्स भी हैं। मेरे को लग रहा था कि मेरे को वैट रिफंड मिल जाएगा बट नहीं मिला। तो लास्ट हमने ट्रैवल किया था बोइंग 777 में थाई एयरवेज में, तो जो IFS है ना यहाँ दिया हुआ था, लेकिन अभी IFS आगे दिया हुआ है। जो विंडोज हैं ये कम से कम दो गुना बड़ी होंगी कंपेयर टू लेग स्पेस, जो है काफ़ी अच्छी खासी है, काफ़ी बढ़िया लेग स्पेस है, 777 के बराबर ही बोलूँगा। आई होप ये सब चलता हो। तो हाँ, ये चल रहा है प्रॉपरली। मैंने बहुत कंप्लेन सुनी थी आप लोगों से कि ये IFS नहीं चलती, स्क्रीन नहीं चलती, लेकिन फिलहाल इसमें सब कुछ ओके है। और अगर इसको निकालना हो ना आगे आपको, तो इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो प्रेस किया, ये निकल गया एंड वापस डाल देता हूँ अभी फिलहाल। बाकी हाँ, अगर आपको फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाना है तो आप यहाँ से बुला सकते हो, बीच वाला बटन दबा सकते हो, चैनल आगे पीछे करने हैं वो आप इससे कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन करनी है वो कर सकते हो, काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें। तो फिलहाल मैं रख देता हूँ इसको, हम आराम से 4 घंटे एक्सप्लोर करेंगे। ट्रैवल टाइम बिटवीन बैंकॉक एंड मुंबई 4 घंटा 30 मिनट लगेंगे हमको पहुँचने के लिए। बहुत कुछ मिलेगा खाने पीने को, तो सब देखते हैं। सीट की जो विड्थ वगैरह काफ़ी बढ़िया है, आई थिंक सेम है 777 जितनी। तो सीट की विड्थ अच्छी है, लेकिन आप बोल सकते हो कि जो सीट की हालत है उतनी खास नहीं है, बस में से रुई हुई निकल रही है, आगे थोड़ी बेटर हो सकती है इन माय ओपिनियन। बाकी एयरक्राफ्ट की हालत अच्छी है, नॉट बैड ऑनेस्टली। मैं थोड़ी सी वार्म लाइट्स बहुत पसंद करता हूँ, मतलब थोड़ा रिलैक्सिंग लगती है वहाँ को, ये थोड़ी सी चुपती है। गाइस यहाँ पे USB पोर्ट भी दिए हैं, तो यहाँ पे आप चाहो तो अपना फोन चार्ज कर सकते हो, जो कि मैं आई थिंक कैमरा चार्ज करूँगा। यहाँ पे कुछ हैंग करना चाहो तो हैंग भी कर सकते हो। दिस इज द ट्री टेबल, ट्रे टेबल थोड़ी सी खराब है, बट ठीक है फिर भी काम चला हुआ है। वो 777 की बेटर थी, थोड़ी सी वो ऊपर थी, थोड़ी नीचे है। मैंने पानी मंगाया था, ले आए, बात अच्छी हुई है ऑनेस्टली। मतलब जैसे आप लोग कह रहे थे कि क्रू रूड है, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। इनफैक्ट जब मैं एंटर कर रहा था तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से ग्रीट किया। तो टाटा के बाद अभी गाइस बहुत चेंजेस आएंगे इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट में भी एयर इंडिया के, तो हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बिफोर टाटा हो तो मे भी खराब हो, अभी तक फिलहाल मेरा काफ़ी अच्छा है। तो हाँ, पानी आ गया, पानी पीते हैं। तो सीट बेल्ट वगैरह मैंने पहले ही लगा लिया। एक दिक्कत है, बिल्कुल विंग के ऊपर मुझे सीट मिली है, तो नीचे कुछ नहीं देखने वाला। 333 कॉन्फ़िगरेशन है, सीट्स ज़्यादा है ऑफकोर्स। वो एक बार देख लो गाइस, ऐसा दिख रहा है पूरा अंदर से ड्रीम लाइनर, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। कोई याद होगा जब मैंने थाई एयरवेज में ट्रैवल किया तो उसमें ना ब्लैंकेट और पिलो ऑलरेडी दिए हुए थे सीट के ऊपर, बट एयर इंडिया में आपको मांगने पड़ेंगे। ये मुझे किसी पैसेंजर ने पहले भी कहा था, मांगने से देते हैं, पहले से नहीं होते, बट हाँ दे देते हैं। तो ये हमारी ब्लैंकेट काफ़ी सही लग रही है, ये है पिलो जिसमें एयर इंडिया की ब्रांडिंग की हुई है। सो गाइस फाइनली वी आर टैक्सिंग टुवर्ड्स द रनवे, पीछे आ रहे हैं एंड फाइनली वी आर रेडी टू टेक ऑफ। हेडसेट भी मिलते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पड़े हुए थे, तो ये हेडसेट आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो लाइट्स वगैरह बंद हो गई हैं, वी गोइंग टू बस द रनवे। और ये पूरा बैंकॉक एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा है, अंदर से तो बहुत बड़ा है। अब हम जा रहे हैं मुंबई, तो बैंकॉक बाय बाय, थाईलैंड बाय बाय, इट वॉज अ वंडरफुल स्टे। हालांकि ब्लॉग के एंड में और बात करूँगा। काफ़ी लोगों ने कंप्लेन की थी वैसे ये IFS की, लेकिन शायद सही कंप्लेन की थी, कुछ भी नहीं चल रहा है, यही लिखा आ रहा है वेलकम ऑन बोर्ड। जब मैं इसको निकाल रहा हूँ तो इसके बाद कुछ भी नहीं है आगे, कुछ चैनल वगैरह बदल नहीं रहा, मतलब सब ऐसे ही है बिल्कुल कांस्टेंट। थाई एयरवेज में तो बता रहा था, मैं ये प्रेस कर रहा हूँ तो लाइट जल जा रही है जे सीट में, मतलब जी जो जे सीट की लाइट है ऊपर रीडिंग लैम्प, वही चल रही है बस। हाँ, और उसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है इसमें। ये वॉमिट बैग वगैरह भी दिया हुआ है, यहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी हैं। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, अगर आपको सीट रिक्लाइन करनी हो ना तो यहाँ पे प्रेस कर सकते हो एंड ये सीट रिक्लाइन हो जाएगी। इसका रिक्लिनेशन वही 100 degrees है, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है। अभी इसको आगे कर लेता हूँ, बिकॉज अभी खाना आना आना है। और हाँ, शायद ड्रिंक्स वगैरह भी सर्व होंगी, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक दोनों, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लेनी है। अल्कोहल भी होगी और नॉन अल्कोहल भी होगी, डिनर भी होगा और चाय कॉफ़ी भी होगी, बहुत कुछ है। ड्रिंक सर्व हो रही है थाई एयरवेज में, वाइन भी थी इसमें, मुझे पता नहीं, अब इसमें देखते हैं क्या होता है। ड्रिंक्स में मैंने पूछा भैया से, कह रहे हैं बियर है, वाइन है, वोडका है, बैलनीज आई थिंक कोई एक विस्की होती है, पता नहीं, रेड वाइन है एक्चुअली। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेड वाइन होगी, वो ये अच्छी चीज़ है। उसको वैलेंटाइन बोलते हैं, मैंने बैलनीज नहीं बोलते, वैलेंटाइन बोलते हैं, रियली सॉरी, माय बैड। तो मैक्सिमम पैसेंजर्स ले रहे हैं वैलेंटाइन, मैं लेकिन वाइन पीऊँगा शायद, पता नहीं। तो
हैनिकिन पता नहीं शायद कोई बियर होती है मुझे नहीं पता, तो वो भी मिल रही है, रेड वाइन है और वैलेंटाइन है, वोडका भी है, बहुत सारे ऑप्शन है यार, मतलब नॉट बैड। मेरे को तो फ्री में मिल रहा है तो मैंने बस ऐसी ले ली हवा हवा। तो ये सूला वाइन दे रहे हैं और वाइन जो लोग वाइन मांग रहे हैं उनको पूरी बॉटल दे रहे हैं, बाकियों को उन्होंने ग्लास में डाल के दिया है। हाँ ये चीज़ मतलब काफ़ी डिफरेंट है, मुझे कुछ पता ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, बट मैंने तो ऐसी मतलब अब फ्री फोकर का मिल रहा है तो बस ले लिया। ओवरथिंक मत करना गाइस, मतलब जो आ रहा है आने कैसा आया भी आज, है ना, मैंने तभी तो दिखाऊंगा कैसे, मुझे नहीं पता कि आप लोगों से कौन ड्रिंक करता है नहीं करता, नॉट श्योर। इसको यहाँ मत रखना, ये गिर जाएगा, तो इसमें डाल के शायद पीना है, पता नहीं क्या है, जो भी है मैं यहाँ रख देता हूँ। एंड साथ में हमको ये रोस्टेड पीनट्स मिले हैं, इसमें भी एयर इंडिया की ब्रांडिंग है, थाई एयरवेज से बेटर है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में जूसेस हैं, डाइट कोक है, थम्स अप है, उसके बाद इन्होंने जिंजर एल भी दे रहे हैं, तो हाँ चार पांच ऑप्शंस हैं, तो अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक भी लेते हो सम गुड टू नो स्टफ, हाँ ये ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। होली का रंग होता है ना वैसा लग रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्राइस बताना भूल गया, बैंकॉक से लेके मुंबई का जो प्राइस पे किया है मैंने इस वाली फ़्लाइट का, टैक्स लग के 11,000 हो गया था लगभग, तो हाँ लगभग 11,000 में मैंने फ़्लाइट बुक की है बैंकॉक से मुंबई, और काफ़ी सही रेट था, और थाई एयरवेज लगभग 15,000 का था, बहुत महंगा था, बट हाँ अभी तक तो सर्विसेज मुझे बहुत अच्छी लगी हैं एयर इंडिया की, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरनेशनल जर्नी इन एयर इंडिया, तो पता नहीं लोग इतना हेट क्यों करते हैं, अभी तक फिलहाल मुझे तो ठीक लगा। दिस इज द वॉशरूम ऑफ बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, नीचे यहाँ पे सोप डिस्पेंसर दिया है, एंड ये ऑटोमेटिक टैप ऑटोमेटिक है, थाई एयरवेज में ऑटोमेटिक नहीं था, थाई एयरवेज में सैनिटाइजर भी दिया होता लेकिन यहाँ नहीं दिया है, यहाँ पे टिश्यू पेपर वगैरह दिए हुए हैं, एंड दिस इज फॉर द फ्लश। हालत अच्छी है, ये वॉशरूम की हालत अच्छी है। ये जो फुटरेस्ट देख रहे हो ना, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो चाहो तो, अगर आपको मन है ऊपर करने का तो ऊपर कर लो, वरना नीचे कर लो, और लेग स्पेस तो मैं बता ही चुका हूँ बहुत ज़बरदस्त है। आ डिनर इज हेयर फाइनली, और ये दूर से दिख रहा है गुलाब जामुन, कसम से गाइस इसको देख के इतना सुकून मिल रहा है ना, देसी खाना इसकी जो ज़रूरत पड़ती है ना विदेश में, ये मैं आपको क्या ही बताऊँ, और इसकी अहमियत अलग ही है। बहुत भूख लगी है, एक एक करके देखते हैं। गुलाब जामुन है, ये छोले एंड सेवियाँ चटनी के साथ काफ़ी बढ़िया दिख रही है। ये है दही, इसमें दिए हैं कटलरीज, तो ये कटलरीज वैसे तो स्टील की मिलती हैं, एल्युमिनियम की मिलती हैं, बट हाँ ये वुडन की हैं। ये है मेन हमारी, इनको देखते हैं भाई मील में क्या है। सबसे पहले पराठे, और ये पराठे सच में बता रहा हूँ फ्रेश दिख रहे हैं, तो आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स देखे होंगे उसमें मैक्सिमम टाइम्स जो पराठे होते थे फ्रेश नहीं होते थे, लेकिन ये काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी गर्म है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ फिलहाल के लिए, बहुत गर्म है गाइस। इसके अलावा ये है मटर पनीर, साथ में पालक कॉर्न, कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया है, तो हाँ एक एक करके टेस्ट करेंगे एंड मैं बताता हूँ। दिस इज़ ओवरऑल डिनर, ये डेजर्ट है, ये इन्होंने चने और सेवियाँ दी हैं, ये मटर पनीर, चावल, पालक कॉर्न, पराठे एंड दही। ट्राई करते हैं पहले ये मटर पनीर से, बहुत बढ़िया लग रहा है, एंड जैसे कि वो क्रू मेंबर ने मुझे बोला कि दिस इज़ दिल्ली वाला मखनी पनीर, एक बार ट्राई करते हैं चावल के साथ, बहुत भूख भी लगी है, देखते हैं। पहली बात तो ये बहुत गर्म है, एक बार मैं पनीर अलग से ट्राई करता हूँ, देन मैं टेस्ट करूँगा। 9/10 बहुत बढ़िया है, हालांकि 10/10 इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसमें ग्रेवी कम है, थोड़ी सी अगर ग्रेवी होती ना तो चावल के साथ बहुत बहुत बढ़िया लगता, तो हाँ 9/10 पनीर काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है। ट्राई करता हूँ ये पालक कॉर्न, देखते हैं भाई ये कैसी है। पालक कॉर्न 9.5/10 रियली गुड गाइस, चावल के साथ एक बार ट्राई करता हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रही है। ट्राई करता हूँ ये पराठा, आई थिंक ये नॉर्मल पराठा है, हालांकि दिखने में लग रहा है कि शायद आलू का है, नॉर्मल पराठा है, तो हाँ एक बार ट्राई करता हूँ ये पनीर पराठे के साथ, देखते हैं टोटल कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। तो गाइस काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन है पराठा और इसका, तो हाँ 8.59 के लायक है, खाना अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। भैया भी वेज खा रहे हैं तो मैं इनसे पूछ नहीं सकता कि नॉनवेज कैसा है, सो आई कांट आस्क यू हाउ इज नॉनवेज बिकॉज यू आर हैविंग वेज। ट्राई करते हैं चने, देखते हैं ये कैसे। 10/10 बहुत बढ़िया है गाइस, इसमें स्प्राउट्स भी हैं, सेवियाँ, चटनी इमली की और छोले, एक नंबर कॉम्बिनेशन, कसम से इतनी भूख लगी ना, बहुत मन कर रहा है इसको खाने का। ट्राई करते हैं गुलाब जामुन, देखते हैं कैसा है, हालांकि साइज़ में तो बहुत बड़ा है कंपेयर टू एनी अदर गुलाब जामुन, इसके अंदर देख लो भाई कमाल की स्टफिंग है और काफ़ी डिलीशियस दिख रहा है, तो ट्राई करते हैं कैसा है। 10/10
एक नंबर यार, एक नंबर, मजा आ गया यार। गाइस टी कॉफी भी मिल रही है खाने के बाद, टी कॉफी भी चाहो तो ले सकते हो। तो थाई एयरवेज में हमको हॉट चॉकलेट का भी ऑप्शन था, बट पता नहीं इसमें ऑप्शन है कि नहीं हॉट चॉकलेट का, आई थिंक टी कॉफी का ही होगा। Right now it's 12:21. I think ये बैंकॉक का टाइम होगा। Right now it's 12:43 and we are descending. नींद जबरदस्त आ रही है, तो मैं आपसे सीधा मुंबई में मिलता हूँ। तो वी आर अबाउट टू लैंड। मैंने एक चीज़ नोटिस की, विंडो शीट्स है ही नहीं। आई थिंक विंडो शीट का ऑप्शन ना यहाँ से आएगा, आई थिंक हमको इसको प्रेस करना पड़ता है बटन से, जो है विंडो शीट आती होगी ऑटोमेटिकली, ये जो ग्लास हैं ब्लर हो जाते होंगे ताकि सनलाइट अंदर ना आए। तो गाइस फाइनली रीच मुंबई एंड फाइनली नाउ डीबोर्डिंग द प्लेन। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट, तो अपना भाई बॉम्बे टर्मिनल 2 सबसे बेस्ट है। मुझे अभी भी, मैंने एक वीडियो लाइव किया तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं भाई कॉस्ट बताओ, टोटल कितना खर्च हुआ ट्रिप में। तो बताता हूँ, सामान वामान ले लूँ पहले, कस्टम वस्टम क्लियर कर लें, फिर बताता हूँ आपको। पहले तो इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा। तो राइट पे है, जिनको वीज़ा चाहिए तो उनके लिए ई टूरिस्ट वीज़ा स्ट्रेट है। और हाँ, अगर आप बिज़नेस या फर्स्ट में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको लाइन नहीं मिलेगी। दिस इज़ ड्यूटी फ्री और इमिग्रेशन हो गया है क्लियर। अब बस सामान लेके सीधा बाहर अपने देश और अगले देश जाने की तैयारी चल रही है, प्लानिंग चल रही है। गेस करो नेक्स्ट कंट्री कौन सी होगी। तो हाँ, दिस इज़ ऑल ड्यूटी फ्री। दिल्ली में भी देखा आपने, इमिग्रेशन इज़ क्लियर, बैग मिल गया, और अब क्या बचा है, नथिंग, पता नहीं क्या है। एक और बार स्कैनिंग कर रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें होती हैं अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट से आओ, पहले तो इमिग्रेशन, फिर आपको ऑफकोर्स बैग लेना पड़ेगा, ये लास्ट प्रोसीजर कुछ स्कैनिंग वगैरह है, आई थिंक कस्टम वगैरह कुछ होगा। तो लास्ट में गाइस कस्टम के लिए कुछ चेकिंग वगैरह होती है। अब फाइनली वी आर एग्जिटिंग द एयरपोर्ट, फाइनली हमें मुंबई आ चुका हूँ बोल सकते हो। तो मैं एयरपोर्ट के बाहर आ चुका हूँ फाइनली। तीन चीज़ें होती हैं, पहले होगा इमिग्रेशन, फिर आपको आपका बैग मिल जाएगा, एंड देन कस्टम वाली एक बार स्कैन करेंगे, आप आ जाओगे बाहर। और देखो व्लॉग में कौन है, तो ये है गुल, आपने इसको देखा होगा मेरे वीडियोस में, मनाली में देखा होगा आपने। तो हाँ, अभी ये आइए मिलने, और कल सुबह की मेरी फ़्लाइट है 6 बजे की विस्तारा की। तो मैं जा रहा था बैंगलोर, मैंने गलती से बैंगलोर मुंबई बुक कर दी, मेरे को करनी थी मुंबई बैंगलोर। अब मैं खुद को कितना कष्ट दूँ, मैं दे चुका हूँ, आप लोग भी दे रहे होंगे मुझे पता है। उसके बाद मैंने कोशिश की विस्तारा वालों को अप्रोच करने की, उनसे बात करने की, भाई साहब उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, 50 बार कॉल किया। इसका डिस्कशन पूरा अगले वाले वीडियो में करूँगा। तो हाँ, अब मेरे पैसे कितने लगे टोटल ट्रिप में, थाईलैंड वाले ट्रिप में, तो मैं बता दूँ, पूरी जो फ़्लाइट थी अप एंड डाउन वो थी 26,000 की, क्योंकि थाई एयरवेज थी, ठीक है, और बचा कुछ आप माइनस कर देना। प्लस स्टे था 9,000 का, 2 दिन का, और वीज़ा ऑन अराइवल था 5,400। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, एंड अगला ट्रिप तभी आएगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। लाइक और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, बाय।